तो फिल के अंदर, हमारे डेटा फिल के अंदर हम बात करते हैं यहाँ डेटा फिल करने की। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई फॉर्मूला, मैं जैसे लाइन बिटवीन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, मुझे इसको ये करना है, फिल करना, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे फिल डाउन करता हूँ तो देखिए नीचे डाउन हो जाएगा, आ गया। और फिल राइट करता हूँ तो ये पूरा चीज़ राइट में फिल हो जाएगा। तो आप जो है अगर कॉपी पेस्ट करने के बजाय एरिया सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल डी फॉर डाउन, आर फॉर राइट, शॉर्टकट दे सकते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट से कॉपी पेस्ट किए बगैर इसका यूज कर सकते हैं। अप और लेफ्ट के लिए पासवर्ड नहीं, आप इसका मैनुअली यूज कर सकते हैं। अक्रॉस वर्कशीट की बात करें तो अभी एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करने के लिए हमें कई सारे शीट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे डेट और आज का डेट डाल दिया और इस डेट को हमने फॉर्मेट कर दिया, और मुझे सेम डेट जो है बाकी पे चाहिए। तो जनरली हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसके बजाय आप शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक करें, पूरा शीट सेलेक्ट हो गया। अब जब मोर देन वन शीट को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर में यहाँ ग्रुप आ जाएगा, तो अब देखेंगे तो यहाँ पे आपका अक्रॉस वर्कशीट हाईलाइटेड है। अब अक्रॉस वर्कशीट आपका जो हाईलाइटेड है उस पर क्लिक करें तो ये आता है ऑल, मतलब कि जो है सबको फॉरवर्ड कर देना है फिल्टर, या कंटेंट, सिर्फ कंटेंट को फिल्टर करना है, या फॉर्मेट ऑल को करना है। हेलो तो यहाँ हमने अगर ऑल कर दिया तो जैसा है वैसा सारे शीट पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपने कंटेन किया तो जैसे इसका जो कंटेन है वो होगा, इसकी फॉर्मेटिंग नहीं होगी। अगर आपने फॉर्मेटिंग किया तो जैसे फॉर्मेटिंग होगा, बाकी डेटा नहीं होगा। लेकिन ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ, अब देखिए हर शीट पे सेम लोकेशन में आपका पेस्ट हो गया। ठीक है भैया जी, सॉरी गरिमा जी, समझ में आया आपको? हाँ जी, ये हमारा अक्रॉस वर्कशीट होता है। अब बात करते हैं सीरीज की। अब सीरीज में जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वन एंड टू लिखूँ और फिर ड्रैग करूँ तो फिर वन टू थ्री होता है ना? हाँ जी, इसको ड्रैग करते हैं। इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि वन लिखें, एंटर क्लिक किए, यहाँ सीरीज के अंदर आइए, आपका लीनियर है, ये स्टॉप वैल्यू आपका वन है, स्टॉप स्टेप वैल्यू, सॉरी माफ कीजिएगा, स्टॉप बिल में मान लीजिए मुझे 10 तक ही सीरियल बनाने हैं, 10 दे दीजिए, 1 से लेकर 10 तक का आपका सीरियल बन जाएगा। अगर आप 10 नहीं देते हैं यहाँ पे, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो जितना सिलेक्शन है उतना में सीरीज बना देगा। अगर इसे मान लीजिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 2 करके यहाँ पे ग्रोथ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर मल्टीप्लाई बाई 2 होगा हर एक नंबर में। ठीक है, उस
उसके बाद इसका यूज वैसे डेट्स के लिए होता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने डेट डाल दिया और मुझे सैटरडे संडे के डेट नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रैग करें या फिर सीरीज में आके अगर आप डे कलेक्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो पूरा डेट आता है जैसे नॉर्मली हम लोग ड्रैग करके लेते हैं। सो अगर आपने सीरीज में यहाँ पे वीकडे सेलेक्ट कर लिया तो इसमें क्या होगा, सारा डेट आएगा पर सैटरडे संडे नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 9 तारीख आया, 10 है, सॉरी 7 और 8 नहीं है, ठीक है। उसके बाद सीरीज की बात करें, यहाँ पे मंथ, ये आपका मंथ बन जाएगा। और वापस सीरीज की बात करें या ईयर करेंगे तो ईयर आएगा, ये सीरीज होता है। इसको यूज कीजिएगा, कन्फ्यूजन होगा बताइएगा, छोटी मोटी चीज़ है, इस बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसमें जस्टिफाई, जैसे कि मैंने यहाँ, हालांकि जस्टिफाई का यूज़ बहुत कम हो रहा है, पहले यूज ज़्यादा होता था। जैसे मान लीजिए हमने पर्सन के नेम यहाँ पर लिख दिया, ड्रैग किया, यहाँ पे नेम आ गया हमारे। मैं चाहता हूँ सबको कंबाइन करना, इस तरह से पूजा कॉमा मोहन, इस तरह से। तो हालांकि एक्सेल में यहाँ पे दो फॉर्मूले आ गए, कॉनकेट का फॉर्मूला आ गया और टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला आ गया, इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक काम और कर सकते हैं कि हम अपने कॉलम को बड़ा कर लें, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ हम आए जस्टिफाई, तो स्पेस को लेते हुए कर देगा सर। लेकिन जस्टिफाई का मतलब ये नहीं कि कॉलम में को मर्ज करता है, जितना कॉलम की साइज होगी उसके हिसाब से करेगा। अगर साइज कम है, साइज यहाँ कम है तो एक दूसरे कॉलम में डाल देगा, साइज ज़्यादा है आयरन एक कॉलम में आ जाएगी तो फिर सारे एक कॉलम में डाल देगा। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ कॉमा नहीं है, कॉमा के लिए आपको फाइंड एंड रिप्लेस लेना पड़ेगा, तो आप स्पेस को कॉमा से रिप्लेस कर, तो फाइंड एंड रिप्लेस कहाँ से लाए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ फाइंड और रिप्लेस। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एच, इसको रिप्लेस कर। वापस इसको सही करना है तो आप पहले तो क्या करें कि कॉमा को रिप्लेस करें स्पेस में, उसके बाद कॉलम को छोटा कर लें, फिर यहां से आप कर दें जस्टिफाई एंड ओके, ठीक है। उसी रो पे क्लिक करना है जहां पे डेटा आया था और उसके ऊपर जस्टिफाई करेंगे तो कॉलम में आ जाएगा, क्या बोल रहे हैं? तो वो भी जैसे अभी आपने कंबाइन कर दिया था और एक रो के अंदर दिखा रहा था। हाँ, तो छोटा कर दिया कॉलम को हमने, तो कॉलम जितना बड़ा होगा ना तो वो कंबाइन होगा, कॉलम छोटा होगा तो एक्सपेंड होगा। तो कॉलम छोटा था इसलिए एक्सपेंड हुआ, कॉलम बड़ा कर दूंगा तो कंबाइन हो जाएगा, हो गया, छोटा कर दीजिए एक्सपेंड हो जाएगा, सिंपल से मेथड इसमें। आगे बढ़े, अब इसमें अब आती है बारी फ्लैश फिल, नेम, यहाँ पे हम नेम डाला, यहाँ पे हमने कुछ नाम दे देते हैं, पूजा सिंह, मोहन शर्मा, कविता, राज, रोय। अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करने हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम कर दीजिए और यहाँ पे लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के लिए हम यहाँ पे पूजा लिखें, एंटर मारें, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम कर देते हैं जस्ट
यहाँ पे फ्लैश फिल, फ्लैश फिल किए एंड ओके। अगला पूजा मोहन कविता, लास्ट नेम के लिए हम यहाँ पे सिंग करते हैं, एंटर मारते हैं, और यहाँ भी हम करते हैं फ्लैश फिल, तो हमारे लास्ट नेम। उस तरह से डेट है आपके पास, मंथ अलग करने, मंथ यहां लिखा, यहां पे हम इसमें गए फ्लैश फिल आ गया। आईडी लिखते हैं, इसमें से मान लीजिए मुझे बीच का तीन डिजिट, इसे बहुत सारा आईडी है अलग अलग, मान लीजिए एक ही है, तो यहाँ पे 369 लिख दिया और यहाँ पे मैं फ्लैश फिल करूँगा तो हो जाएगा। तो फ्लैश फिल क्या करता है कि आपके सामने वाले पर्सन में जो वर्ड है, इसमें 69 लिया, ये 369 को इसने क्या किया कि चेक किया कि इसका पोजिशन कहाँ पर है और उसी पोजिशन सबको अलग कर दिया और लास्ट से काउंटिंग करता है। इसने देखा कि भाई ये फर्स्ट स्पेस है, जैसे फर्स्ट स्पेस है सबको अलग कर दिया, अगस्त है तो मंथ को लिया और मंथ को अलग कर दिया, तो उस तरह से उसको अलग करता है। तो फ्लैश फिल समझ में आ गया आप लोगों को? रिमा जी 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 आ गया, चलिए इसमें आगे बढ़े जी। अब बात आती है क्लियर की, जैसे आपने कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, अब मुझे इसको हटाना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने से पूरा सिस्टम हिल जाता है आपका, मतलब कि पूरा यहाँ से फॉर्मेटिंग हिल जाएगी। अगर आपने कोई फॉर्मूला लिंक कर रखा है, अगर आपने उसको डिलीट कर दिया तो हो जाएगा आपका रेफरेंस। तो मुझे क्लियर ही करना है, तो कॉलम डिलीट नहीं करनी क्योंकि नीचे भी डेटा हो सकता है, तो उस केस में हम यहाँ पर करते हैं क्लियर, क्लियर ऑल, पूरा क्लियर हो जाएगा, डिलीट जैसा ऑप्शन आएगा साफ हो जाएगा पूरा। क्लियर फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होगा, क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स, हाइपरलिंक, कंटेंट, कंटेंट क्लियर होगा, तो क्लियर यहाँ से आप कर सकते हैं, समझ गए? चलिए अब आगे टॉपिक करते हैं फाइन एंड सॉर्ट, मतलब इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने डेटा है, मुझे इसको शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट क्यों करना है? मान लीजिए मुझे यहाँ पे टॉप 5 क्वांटिटी चाहिए, तो मैंने क्या किया, क्वांटिटी को लिया और यहाँ से जेड टू ए कर दिया और यहाँ से ऊपर 5 उठा लिया हमने, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर सीरीज पे मुझे शॉर्ट करना है, किसी पर्टिकुलर सीरीज पे आपको डेटा शॉर्ट करना है, उस केस में यूज करते हैं हम शॉर्टिंग। अब शॉर्ट मुझे किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग करना, जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करना है, तो क्वांटिटी पे कर्सर रखा और यहाँ से शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट हो गया। लेकिन मुझे जैसे मान लीजिए कि मैंने नेम बाई शॉर्ट कर लिया यहाँ पे, तो नेम बाई जब शॉर्ट किया तो यहाँ सिटी जो है मिक्सअप है, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ अमर का जयपुर सारा इकट्ठा हो जाए, मुजफ्फरपुर पूरा इकट्ठा हो जाए इस तरह से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम कस्टम शॉर्ट लेंगे, कस्टम शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट में हम यहाँ नेम को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से एट लेबल यहाँ सिटी को सिलेक्ट करेंगे एंड ऑन। अब देखिए नेम और सिटी एक जगह मिक्सअप नहीं हुआ, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो शॉर्टिंग इस तरह शॉर्ट डेटा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अमर यहाँ स्मॉल में लिखा हुआ है, तो अब जैसे शॉर्ट करोगे तो मिक्सअप होगा, हम चाहते हैं कि अमर और जो अमर है हमारा, छोटा अमर एक जगह हो जाए, बड़ा अमर एक जगह हो जाए। तो जब शॉर्ट आप करेंगे कस्टम शॉर्ट, तो यहाँ ऊपर में ऑप्शन होता है, ऑप्शन में आप यहाँ के सेंसिटिव चूज कर लें एंड ओके करें देन। अब देखिए छोटा अमर इकट्ठा हो गया, ठीक है, इस तरह से। कभी कभी क्या होता है कि हम कलर कर देते हैं यहाँ से, मान लीजिए कि हमें कुछ डाउट है,
तो हमने देखा और उसके ऊपर हाईलाइट कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम में हम इसको अच्छा से देख सकें। तो मैं सारे जो कलर हमने किए हुए हैं वो सारा मैं टॉप में या बॉटम में लाना चाहता हूँ। तो शॉर्ट करते समय कस्टम शॉर्ट, अब मैं यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, डिलीट, नेम को ले लिया क्वांटिटी और सेल वैल्यू को जगह पे ले लिया सेल कलर, और यहाँ से कलर चूज कीजिए। इस कॉलम में क्वांटिटी वाले कॉलम में जितने भी कलर्स होंगे सारे कलर्स यहाँ दिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया कलर्स एंड ओके, जितने कलर्स है वो इकट्ठा एक जगह हो गया। उसके बाद अगर हम इसके शॉर्ट पे जाते हैं कस्टम शॉर्ट पे, तो यहाँ एक चीज़ और होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें एमआरपी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन लगा रखा है, मैं चाहता हूँ कि आइकन जो है इकट्ठा हो जाए, मतलब कि जो आइकन के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो कस्टम शॉर्ट में हम जाएंगे और यहाँ सेल कलर की जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन लेंगे और यहाँ से हम क्वान्टिटी या नंबर, हाँ क्वान्टिटी चूज करता हूँ, एमआरपी चूज करता हूँ। यहाँ पे देखिए आइकन, तो मैं चाहता हूँ सबसे टॉप वाला आइकन ऊपर रहे, देखिए टॉप वाला आइकन हमारा ऊपर आ गया, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जैसे मैंने मंथ यहाँ ले लिया, मंथ में हमने यहाँ जैन फेब मार्च यहाँ डाला हुआ है, और कस्टम फॉर्मेटिंग में कस्टम शॉर्ट में हम आएंगे और यहाँ से मंथ को सिलेक्ट करेंगे और मान लीजिए सेल वैल्यू ले लिया। अगर मैं शॉर्ट किया है टू जेड पे तो आपका अप्रैल पहले आएगा, फिर अगस्त आएगा, फिर दिसंबर आएगा। समझे? हाँ जी। और अगर ये जनवरी वाला ही रखना हो, मतलब सीरीज में ही रखना हो, तो क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ कि अगर मुझे जनवरी टू दिसंबर का एक सीक्वेंस नहीं आया, मतलब जनवरी, हाँ, तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको कस्टम लिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप यहाँ कस्टम शॉर्ट पे आ जाएं और यहाँ मंथ को लें और यहाँ देखिए कस्टम लिस्ट दिख रहा है, इस कस्टम लिस्ट पे चले जाएं और यहाँ से अपना मंथ वाला लिस्ट सेलेक्ट कर लें। एक मिनट, सिर्फ नहीं हुआ शॉर्ट, यहाँ पे कस्टम शॉर्ट, ये अपने आप क्यों खुल रहा है? तो यहाँ हम यहाँ आते हैं कस्टम शॉर्ट पे, मंथ को सिलेक्ट किए, सेल वैल्यू, कस्टम लिस्ट, लिस्ट शॉर्ट करनी हो, ओ समझ गए, एक केस सेंसिटिव होता है, हमने क्या कर रखा है, एक छोटा सा प्रॉब्लम था, हमने यहाँ पे केस सेंसिटिव सिलेक्ट कर रखा था इसलिए। ठीक है, हो गया ये शॉर्ट। अब शॉर्ट हमने लेफ्ट और टॉप टू बॉटम किया, अब हम लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, मंथली सेल्स आपने ले लेते हैं यहाँ पे,
और फिर इसको सिलेक्ट करना। ध्यान रखिएगा इसको सिलेक्ट मत कीजिएगा, यहाँ पे कस्टम शॉट, और यहाँ हम करेंगे ऑप्शंस लेफ्ट टू राइट एंड ओके, और इसको सिलेक्ट करेंगे रो वन। तो अल्फाबेटिक आप टॉप टू बॉटम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, कस्टम शॉट या ऊपर ऑप्शन में होता है, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। और यहाँ से नंबर्स रो पे आपको सेल्स को कोडिंग करना है तो सेल्स को सिलेक्ट कीजिए। मैम ठीक है, मैम समझ में आ गया आपको? शॉर्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ज़्यादा अगर हो जाए, प्रैक्टिस से बाहर हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है, हम स्टॉप कर देंगे क्लास को। तो कंटिन्यू करें आगे अगले टॉपिक पे। गरिमा जी, हाँ जी, हाँ जी, बोला मैंने। तो आगे कंटिन्यू करते, बात करते फिल्टर्स की। देखिए फिल्टर मतलब हुआ कि अब डेटा पूरा दिख रहा है, तो हमने यहाँ से फिल्टर अप्लाई किया, तो फिल्टर अप्लाई करते इस तरह का फिल्टर का बटन लग गया। मान लीजिए मुझे सिर्फ पूजा का देखना है या अमर का देखना है, तो यहाँ आपको लिस्ट दिख रहा है, अगर मैंने लिस्ट को अनचेक कर दिया, जिस पे चेक्ड है वो दिखेगा, जिस पे अनचेक है वो नहीं दिखेगा। तो मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, सबसे पहले सेलेक्ट ऑल को मैंने अनचेक करके अमर का ले लिया या अमर और देव दोनों ले लिया एंड ओके करता हूँ, तो अब मेरे पास जो डेटा है अमर और देव का है, बाकी इसमें कोई और डेटा नहीं दिखेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है नाम में कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा लिस्ट होता है, ढूंढने में दिक्कत होती है, तो टेक्स्ट फिल्टर में जाके हम इक्वल टू करते हैं। जैसे इक्वल टू हमने पूजा कर दिया एंड ओके किया, तो देखेंगे सिर्फ पूजा का यहाँ रिकॉर्ड आ रहा है, सिर्फ पूजा का। अब मान लीजिए कभी कभी दिक्कत क्या होता है कि पूजा सिंह या पूजा कुमार में है, तो इसमें टेक्स्ट में होता है नॉट इक्वल टू बिगेन विथ, हमने बिगेन विथ पूजा डाल दिया, तो पूजा सिंह होगा, पूजा कुमार होगा, पूजा शर्मा होगा, सब होगा, बट पूजा होना चाहिए। जैसे कंडीशन वर्टिंग में टेक्स्ट दैट कंटेन आपने किया था वही, एंड विथ कंटेन इज नॉट कंटेन। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे मैं क्लियर करता हूँ कि भाई यहाँ पे दो नेम है, पहला है पूजा यहाँ पूजा है, सॉरी पूजा है पूजा सिंह, और यहाँ पे एक जगह पे पूजा शर्मा। अभी जो दिक्कत और भी हो सकता है कि पूजा शर्मा जो है उसमें पूजा सिंह पूजा के आर शर्मा भी हो सकता है, तो हमें चाहिए कि भाई पूजा शर्मा होना चाहिए, पूजा के आर शर्मा या पूजा शर्मा, मतलब कि पहले पूजा लास्ट में शर्मा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन, ये कंटेन नहीं माफ़ कीजिएगा, कंटेन तो कुछ भी ले लेगा, तो यहाँ पे हमने बोला बिगेन विद पूजा होना चाहिए, और इसी में हमने नीचे आ गए और हमने बोला एंड विद होना चाहिए शर्मा एंड ओके, ठीक है, वो सिलेक्ट। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे क्लियर फिल्टर, तो फिल्टर क्लियर हो जाएगा। उस तरह से नेम की बात करें, क्वांटिटी में बात करें, तो आपके पास क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में मैं यहाँ पे एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ तो आपने दूसरे क्लास में ज्वाइन करी हुई, तो कैसे होगा, आपकी क्लास 11 बजे है ना? हाँ तो 11 बजे जब वही आईडी होगा, 11 बजे ज्वाइन कीजिएगा, क्लासेज चलती रहती है ना, तो हर क्लास में ज्वाइन करेंगे थोड़ी हो पाएगा, तो थोड़ी वो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट कर देगा ना। तो यहाँ पे मैं जैसे कि इक्वल पर्टिकुलर नंबर इज नॉट इक्वल ग्रेटर देन लेस देन टॉप 10 अब बिलो एवरेज जो कंडीशन वर्टिंग में यूज किया था वही यहाँ पर है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सेम डेट बड़ी कुछ पूछ रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर डेट फील्ड में बात करें तो डेट में यहाँ पे देखिए ईयरली ग्रुप हो जाता है या मंथ ले सकते हैं, जिस पर टिक करेंगे वह सिलेक्ट होगा, जिस पर अनटिक करेंगे वह सिलेक्ट नहीं होगा। डेट फिल्टर में बात करें तो यहाँ पे है जैसे इक्वल पर्टिकुलर डेट, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुडे, टुमारो, सिस्टम जैसे कनेक्टेड है, जो कि आपने डेट टॉकिंग में किया था ना वही आपका। तो एक बार इसकी क्या बोल रहे, एक चीज बताइए, जैसे अगर एक सेल के अंदर जुलाई जे यू एल और ऊपर कॉमा सेमीकोलन के बाद 21 लिखा हुआ, मतलब सिर्फ ईयर लिखा है, उसको मैं ड्रैग करूंगी तो वो ना वो नेक्स्ट ईयर में चले जाता है, मतलब 21 के बाद 22 23 वो कैसे है? तो उसको डेट फॉर्मेट में लिखिए ना, डेट लिखिए ना पहले, डेट का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट होगा। नहीं, अगर मैंने मंथली डेटा लिया हुआ है किसी चीज का, हां तो आप हर मंथ का फर्स्ट डेट डालिए। हां जैसे अगस्त का है ना, यहाँ पे हर मंथ का फर्स्ट डेट डाल दीजिए और इस पर फॉर्मेट कीजिए, इस पर कस्टम, कस्टम फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे कर दिया MNM एंड YY, ठीक है। अब मैं इसे नीचे ड्रैग करूँगा, ठीक है, क्लियर है। अगर आपने इस तरह से ले लिया अगस्त 21, अब मैं ब्रेक करूंगा तो 22, 23, 24 आएगा, अगस्त सितंबर नहीं आएगा। तो डेट लिखिए, फिर इसको कस्टम फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कीजिए, देन ड्रैग कीजिए, क्लियर है। तो यहां पे हमने होम मेनू बार फिनिश कर दिया,